ग्रामीण डाक सेवक संघ की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई है। ग्रामीण डाक सेवक काफी दिनों से लंबित कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए पिछले 16 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिसे सरकार ने मान लिया। इस हड़ताल के दौरान सभी विभागीय यूनियन के साथ ही डाक विभाग के सभी अधिकारियों का और मीडिया का ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाइज यूनियन ग्रामीण डाक सेवक ने आभार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज का आभार व्यक्त करते हुए ग्रामीण डाक सेवक जेपी सिंह ने कहा, जीडीएस कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, क्या आश्वासन मिला आप लोग को? मैं गोरखपुर मंडल का डिविजनल सेक्रेटरी जयप्रकाश सिंह अपने जेसीए टीम के तरफ से आया हूँ। जेसीए टीम के अन्य मंडली मंत्री आरपी द्विवेदी और मायापति मिश्रा और राकेश पांडे के तरफ से मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ। आपने प्रत्येक दिन कवरेज करके इस हमारे हड़ताल को दिखाया, उसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही समाचार पत्र दैनिक जागरण और अमर उजाला, हिंदुस्तान और न्यूज फॉक्स और स्वतंत्र चेतना आदि समाचार पत्रों ने, सहारा इंडिया ने भी काफ़ी कवरेज करके दिखाया। और सरकार से हमारी यही मांग थी कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट 100% लागू करे। 16 दिन के हड़ताल के बाद सरकार ने अंततः उसको मान लिया और कल से हड़ताल समाप्ति की घोषणा हो गई। आज से सभी हमारे जीडीएस कर्मी अपने अपने क्षेत्र में कार्य पर लग गए हैं। अपने सभी जीडीएस साथियों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि आज तक जितनी डाक डंप पड़ी हुई है, यथाशीघ्र अधिक से अधिक परिश्रम करके उसको जल्दी से निस्तारण करें। इस हड़ताल में हमारे विभागीय यूनियन के साथियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ में हमारे विभागीय अधिकारी पीएमजी, एसएसपी, इंस्पेक्टर, ओवरसियर आदि अधिकारियों ने भी कोई बाधा नहीं डाला, उनका भी सहयोग रहा। मैं उन सब लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ। साथ में देश के 3 लाख से ऊपर जीडीएस कर्मी एक साथ एक आह्वान पर हड़ताल पर चले आए। अगर सब लोग हड़ताल पर समर्थन नहीं दिए होते तो शायद यह कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाती। यह 7वें वेतन आयोग के समकक्ष थी। सरकार को इसको बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था। 1.5 साल से चाहे अधिकारियों की लापरवाही से या सरकार की लापरवाही से यह वित्त मंत्रालय से पास होकर के सरकार के पास पड़ा हुआ था। अंततः इसके पहले हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, तमाम घेराव किया पार्लियामेंट का और भी कई जगह अनशन किया, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि हमारे जीडीएस यूनियन के सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। यह 22/5/18 से लेकर के 6/6/18 तक हड़ताल जारी रहा। अंत में 6/6/18 को सरकार ने कमलेश चंद्रा रिपोर्ट घोषित किया, उसके बाद से हड़ताल समाप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ।